देवभूमि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, यानी मतदान में अब बस 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है, लिहाजा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में तमाम दल के नेता विरोधियों के खिलाफ जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान कुछ नेता अपनी मर्यादा को ही ताक पर रख देते हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, इनकी मेंटालिटी देखिए। जनरल बिपिन रावत हमारे देश के गौरव थे, उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ दो। क्या हमने उनसे कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? हेमंत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आर्मी से आपको प्रूफ मांगने का क्या अधिकार है? अगर आर्मी ने बोल दिया कि पाकिस्तान में बम फोड़ा है तो फोड़ा है। सेना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया तो किया, एयर स्ट्राइक किया तो किया, क्या आपको बिपिन रावत पर भरोसा नहीं है? जनसभा के दौरान हेमंत ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा अमेरिका और रूस के साथ भारत ने भी वैक्सीन बनाई, मगर कांग्रेस के लोग वैक्सीन बनाने का प्रूफ मांगने लगे, लेकिन ये अमेरिका से वैक्सीन बनाने का प्रूफ क्यों नहीं मांगते? अगर भारत कुछ बनाता है तो आपको प्रूफ चाहिए, मगर पाकिस्तान या चीन बनाए तो आप तारीफ करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन की सेना आगे बढ़ रही है, जिस पर हेमंत शर्मा ने कहा कि आप चीन का प्रचार क्यों करते हो, भारत की सेना आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर अपने परिवार के लिए जीने और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। उधर कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा सरमा के इस बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियापन की सभी हदें पार कर ली। मोदी जी की निष्ठा हासिल करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना जरूरी है, ये हेमंत शर्मा के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। जाहिर है राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध के नाम पर इस तरह की बयानबाजी को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।